अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बीके ब्लॉग्स, यानी कि ब्रजीस खान ब्लॉग्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ, या पिछले हफ्ते जो थी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हुई हुई थी। लेकिन ये था कि ज़ुकाम हुआ हुआ था, और ज़ुकाम से सर में दर्द, और जैसे आपको पता ही है सर में दर्द होता है और कुछ खाया नहीं जाता, तो यही सारा कुछ हुआ हुआ था। उसके साथ मेरे उसके यूनिवर्सिटी के इतने ज़्यादा वो काम हो गए थे, तो वो भी साथ साथ। लेकिन उससे पहले जो था ये था कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब ये था कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया था। वो ये था कि अच्छा, रूटीन मेरी पता है क्या रूटीन, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। सुबह उठता हूँ मैं तकरीबन 7 बजे, तो 7 बजे जब मैं उठता हूँ, मेरा छोटा भाई है जामे अशरफ, जिसको मैं छोड़ने गया था, तो सबसे पहले मेरी सिस्टर है, उनको मैं स्कूल ड्रॉप करता हूँ, टीचिंग करती हैं, तो उनको ड्रॉप करने के बाद मैं भी भाई को ड्रॉप करता हूँ वहाँ पे जामे अशरफिया, फिर वहाँ से वापस आता हूँ, नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं तैयारी करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, तो फिर वहाँ से हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से जब हम वापस आते हैं तकरीबन 1 तो बज चुका होता है, और 1 बज चुका होता है तो फिर 1:30 बजे यानी कि 1:30 पे सिस्टर को दोबारा पिक करना होता है स्कूल से, 1:30 उनको ऑफ होता है, तो वो उनको पिक करके फिर वापस घर आता हूँ, तकरीबन 1:45 तकरीबन बज रहे होते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। फिर ये मैं आपको जो रूटीन बता रहा हूँ, ये जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी तब की है, मतलब ये जो क्या कहते हैं छोड़ना लेने वाला काम तो पहले भी था, लेकिन अब जो आगे की है वो मेरी ये थी कि जब मैं दोपहर को खाना खाता था तकरीबन 2:30 हो जाते थे, उसके बाद मैं फिर करता था एडिटिंग या करता था मैं स्टडीज़, या एडिटिंग कर रहा होता था सिस्टम पे बैठ के, भी मैं सिस्टम के सामने बैठा, मेरी ग्लासेस में आपको आ रही होगी लाइट, तो उसमें ये होता था कि सिस्टम में बैठ के पढ़ता भी रहता था अपने कोई असाइनमेंट्स वगैरह, और साथ एडिटिंग करता रहता था। तो फिर 4 बजे, दोपहर के 4 बजे फिर आते हैं ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने यहाँ पे, तो उनको पढ़ाता कौन है, एक तो मैं पढ़ाता हूँ, दूसरा जो सिस्टर है जो टीचिंग करती हैं वो ही पढ़ाती हैं वो, और मैं, हम दोनों ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, छोटे भी होते हैं कुछ, बड़े होते हैं मतलब कि 7-8 तक होते हैं बच्चे, तो इधर ही एरिया के बच्चे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सब ना बढ़ा दें तो आप भेज सकते हैं, लेकिन खैर। फिर जब बच्चे आते थे 4 बजे, तो जाहिर से बात है सिस्टम वगैरह बंद करना पड़ता था, तो सिस्टम फिर बंद होता था। फिर उसके बाद जब हम 7 बजे हो जाते थे, 7 बजे के बाद फिर मैंने पीसी ऑन करना अपना, फिर मैंने अपना दोबारा से एडिटिंग स्टार्ट करनी, और साथ अपने यूनिवर्सिटी का वो भी सारा काम करना, तो फुल डे रात 11-12 बज जाते थे, वीडियो एडिट होते, फिर सुबह मैं दोपहर टाइम किसी टाइम अपलोड करता था। तो ये था कि फुल डे मेरा बहुत ही बिजी हो गया था, तो 2 वीक्स तो मेरे मुसलसल जब रोज़ आते रह गए, एक दिन के बाद मैं डालता होता था, तो जब अपलोड होती थी फिर दोबारा से एडिटिंग न्यू व्लॉग की, तो जो 2 वीक्स थे फुल इतने बिजी हो गए थे कि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था किसी चीज़ के लिए भी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये लास्ट वीक जो था थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो यूनिवर्सिटी से भी ब्रेक था मेरा, और घर में ही मैंने तकरीबन रेस्ट किया थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो आज मैंने फिर दोबारा डिसाइड किया, मैंने कि चलो थोड़ा सा जुकाम अभी भी है लेकिन बेहतर है, यूनिवर्सिटी भी सुबह गया था, तो फिर अब वापस आए हैं, तो अभी भी मैं अपना यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था, अभी काम ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलिए अब वीडियो बनाते हैं। और मेरा एक दोस्त है शराज, उसका मैसेज आया था कि यार आज चलते हैं कहीं बाहर कुछ खाने, जो बंदा है ना वो हफ्ते में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा मैसेज करेगा कि हाँ भाई चले कहीं खाने, ना भाई चलो फिर। तब वो आ रहा है, उसने मुझे 10:30 का कहा था, उसने मुझे 10:30 का कहा था, तकरीबन 10 बज चुकी है, तो वो भी आएगा, फिर उसके साथ हम चलते हैं बाहर, खाते हैं कुछ, देखते हैं क्या खिलाता है।
रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं क्राफ्ट, जब भी आपको दिखाया है क्रीम क्राफ्ट पहुंचे हैं। शराज साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये अभी कैचअप लगा के बैठे हैं, ये अभी ऑर्डर करने हैं तो फिर मंगवाते हैं, दिखाते हैं पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे आवाम सीरियस हो गई कि ज्यादा खाने को लेके ज्यादा आवाम सीरियस हो गई है, शायद ऑर्डर इनका टाइम भी नहीं है या पता नहीं क्या क्या बुला यार उसको, तो फिर मंगवाते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि ये बंदा ना मुझे हफ्ते में दो दफा मैसेज करता है कि ना क्या खाना है, तो इस बार देखते हैं क्या खिलाता है। वैसे लास्ट वीक में जब मैंने आपको कैसे बताया आपको, देखते हैं इस बार क्या खाया, क्या खाया यार, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या खाना चाहेंगे ब्रिटिश भैया बताएं। यार कि ये इनका सीन है, ये क्रंची बर्गर वाला सीन है, ये क्रंची बर्गर, क्रंची बर्गर, क्रंची बर्गर, ये एक पैटी बर्गर ही है, क्रंची बर्गर दिस वन क्रंची बर्गर कितने का है, 150 rupees ओनली सिंगल, डबल 250 सही है यार। अब कहाँ ऑर्डर वाला बंदा आते ही खान साहब तो ऑर्डर करते हैं, सर्दी हो गई है बाहर निकला था बने के शायद अपन ना पहनो मैं तो कुछ नहीं होगा, जैकेट बने के पहन के निकल बस इतना ही ऑर्डर हो गया हमारा, ऑर्डर दे दिया हमने, देखें अस्सलाम वालेकुम। रात को तो व्लॉग ख़त्म हो नहीं पाया था, तो आज यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ सुबह में, सुबह सुबह तकरीबन 9:15 हो रहे हैं, 9:30 बजे लेक्चर है मेरा, तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह इधर ही ख़त्म करते हैं। पहले भाई जी आपको दिखा दें ज़रा स्टाइलिंग, देखें लड़का तैयार हो के आया था फुल, ठीक है आज सारे दिन ही लेक्चर्स ही हैं, तो आज 1 बजे तक भी बिज़ी रहेंगे, तो इंशाल्लाह जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है तो फिर और व्लॉग बनाएंगे, लेकिन आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।